तो इंसान जो है इसी तरह से अगर उसके किसी एक ऑर्गन में कोई तकलीफ़ होती है या वो बेकार हो जाता है तो उसके असरात पूरे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। सेम लाइक दैट सोसाइटी एज अ ह्यूमन ऑर्गन, माशा जो है वो इदारों के मजमूए का नाम है। अगर ये इदारे प्रॉपर तरीक़े से अपने काम को सर अंजाम देते हैं तो वेल डन, लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो फिर अगर कोई एक इदारा भी सही तौर पे अपने काम या अपने फ़राइज़ को सर अंजाम नहीं देता है तो पूरे इदारे उससे मुतासिर होंगे और माशा डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर राना सबा सुल्तान के साथ। इन्होंने इमरानी नज़रियात के ऊपर एक किताब लिखी है, इसी मौजू के ऊपर आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए डॉक्टर सबा सुल्तान से मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राना सबा सुल्तान है और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में और तकरीबन मुझे वहाँ पढ़ाते हुए मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं और मैं वहाँ हेड हूँ, यानी चेयरपर्सन हूँ मैं वहाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचिंग को, रिसर्च को देखती हूँ और करती हूँ। ये मेरी जो बुक है इमरानी नज़रियात, अब एक लेमन अप्रोच है कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं समझ सकते कि इमरानी नज़रियात के क्या मतलब है। इमरानी नज़रियात जो है बेसिकली ये इबन खलदून की टर्म है, हु वॉज़ द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट इन 17th century। वो 17th century के पहले सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इमरानियात का नज़रिया पेश किया। एक्चुअली इमरान का मतलब है अफराद, पीपल, लोग, और याद का मतलब है स्टडी, मुताला, यानी लोगों का मुताला, माशरे का मुताला। इट मीन्स कि सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्टिव एक्शन, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। इबन खलदून ने अपने नज़रिए में माशरे से मुताल्लिक बहुत अहम नज़रियात पेश किए हैं, ख़ासकर उन्होंने अजबियत का नज़रिया जिसे एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं वो पेश किया है। एथनोसेंट्रिज्म के लिहाज से हर फर्द अपने मज़हब को, अपने ग्रुप को, अपने लोगों को और अपनी सकाफ़त को अहम समझता है बनिस्बत दूसरों के। तो वो कहते हैं कि अजबियत जो है वो एक तरह से अच्छी चीज़ है, इसलिए कि हमें, और अजबियत जो है वो किस बुनियाद पर होती है, लैंग्वेज एंड रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पर। अगर आप खुदा को एक मानते हो और मज़हब एक मज़हब को फॉलो करते हो तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, ये आपको स्ट्रेंथन देगा, ये आपको पावर देगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक मुट्ठी है, अगर आप सब जुड़े हुए एक मज़हब के साथ, एक कुरान के साथ, तो इसने आपको स्ट्रॉन्ग किया हुआ, आने वाले हर मसले का आप आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इनसे बाहर निकलोगे तो आप बिल्कुल अलग अलग हो जाओगे चावल के दाने की तरह, और फिर उस वक्त सिर्फ मसाइल आपका सामना करेंगे और आपको कोई भी बैरूनी ताकत आसानी से ख़त्म कर सकती है। तो अजबियत जो है वो लोगों के अंदर मोहब्बत, खलूस, इखलाक, तावुन, यकजहती, इस्तेहकाम पैदा करती है, और वही और इसकी वजह क्या है, एक मज़हब का होना, क्योंकि मज़हब इंसान को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करता है। राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, कौमों का उरूज और जवाल। उन्होंने बताया दुनिया में जो हर कौम है वो तीन अदवार से गुज़रती है। एक पहला दौर जो होता है वो उरूज का ज़ोर होता है, और दूसरा उनके अचीवमेंट का गोल होता है, दौर होता है, और तीसरा दौर जो होता है उनकी तबाही का दौर होता है। पहले दौर में जो कौमें हैं वो स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, तरक्की के लिए, समाजी, माशी, माशरती तरक्की के लिए, और उसके बाद जब वो तमाम चीज़ें हासिल कर लेती हैं तो दूसरे दौर में दाखिल हो जाती हैं। यहाँ आके कौमों के पास जब सब कुछ मिल जाता है तो वो सुस्त पड़ जाती हैं, वो काहिल हो जाती हैं, और फिर वो गहरी नींद सो जाती हैं। जैसे कि मिसाल है मुगलिया दौर की और दौर उस्मानिया की, ये मुसलमानों के दौर की बात है, और उसके बाद जो है तीसरा दौर शुरू होता है, फिर तबाही का दौर शुरू होता है। ज़ाहिर बात है फिर तबाही जो है वो उन कौमों पर आ जाती है और दोबारा से वो स्ट्रगल के दौर में दाखिल हो जाते हैं। तो एक साइकिल थ्योरी जो उन्होंने बयान की है और काफ़ी हद तक
معاشروں پہ لاگو آئی ہے. اگست کومٹ واز دا فادر آف سوشیولوجی اینڈ ہی کوائنڈ دا ورڈ آف سوشیولوجی ان 1838. اس میں انہوں نے سوشیولوجی کے لفظ کو ایجاد کیا تھا اینڈ بیسیکلی ہی واز دا فاؤنڈر آف پازیٹیوسٹک اسکول آف تھاٹس. نظریہ مثبتی کے بانی تھے اور نظریہ مثبتی جو ہے وہ ایک سائنٹیفک کلیکشن آف فیکٹس ہے وچ کنسسٹ آن آبزرویشن ایکسپیریمنٹ اینڈ انالیسز. اس پہ بیس کرتی ہے اور اسی کے روشنی میں وہ کہتے ہیں سوشیولوجی ایز اے سائنس. فزیکل سائنس میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائنسدان ہے اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کے لیے لیبارٹری کا ہونا لازمی ہوتا ہے. وہ لیبارٹری جاتا ہے, لیبارٹری میں ٹولز ہوتے ہیں, اکوپمنٹس ہوتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور پھر اسے رزلٹ نکالتا ہے, پھر پریڈکشن کرتا ہے. سوشل سائنٹسٹ بھی یہی کرتا ہے. اگست کوم کے حساب سے سوسائٹی پلے آ رول ایز آ لیبارٹری فار سوشل سائنٹسٹ اور ٹولز جو ہیں انڈیویجولس ہیں, افراد ہیں, گروہ ہیں, تنظیمیں ہیں, یہ ٹولز ہیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اینڈ اکوپمنٹس ان کے بیہیویئر ہیں, ان کے ایٹیچیوڈس ہیں, نارمس ہیں, ویلیوز ہیں جس پہ مشاہدہ کیا جاتا ہے, جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے, جس پہ ایکسپیریمنٹ کے بعد انالیسس کیا جاتا ہے اینڈ ان دا لائٹ آف دیز تھری تھنگس پریڈکٹ اباؤٹ دا فیوچر, مستقبل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو سائنس سے ترجیح دی ہے, اس لیے وہ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک حقیقت کو بیان کیا. انہوں نے سوشیولوجی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک. اسٹیٹک سوشیولوجی وہ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی, معاشرے کی وہ حقیقتیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہے, جیسے فرد, خاندان اور سوشل سچویشن, سماجی حالات, یہ وہ چیزیں جو اسٹیٹک ہیں. فرد افراد وہی رہتے ہیں, اگر وہ مر جائیں دوسرے ان کی جگہ آ جاتے ہیں, پر یہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ معاشرہ کیا چیز ہے, کلیکشن آف انڈیویجولی ہے. خاندان چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ایک کم ہوتا ہے دوسرے آ جاتے ہیں, پر خاندان اپنی جگہ پہ اسٹیٹک رہتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. سوشل سچویشن یعنی سوشل اسٹرکچر, معاشرے کی ساخت وہی رہتی ہے. اس میں کمی زیادہ ہو سکتی ہے پر وہ اپنی جگہ منجمد ہے, وہ ویسے ہی رہتی ہے. پھر سوشل, دوسرے انہوں نے بتایا کہ وہ سوشیولوجی کی انہوں نے دوسری قسم بتائی ہے, ڈائنامک سوشیولوجی, حرکی, تبدیلی پذیر. اب تبدیلی پذیر کون کون سی چیزیں ہیں, سچویشنز, کنڈیشنز, حالات, واقعات, نظام, یہ سب میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں پر معاشرہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے, افراد اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں اور خاندان تبدیلیوں سے گزر کے بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے سوشیولوجی میں, انہوں نے سوشیولوجی کو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ان کا ایک بہت اہم نظریہ تھے. اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے نظریہ ہیں, لاز آف انٹلیکچوئل لاز, تھری لاز بیان کیے ہیں تین طرح کے, لیکن وہی والی بات کہ میں اگر تب بتانے بیٹھوں تو میرے خیال میں میرا سارا انٹرویو صرف اگست کوم کے ہی نظریات پہ گزر جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بک دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے ہربرٹ اسپینسر, ہربرٹ اسپینسر نے بھی اپنے بہت زیادہ نظریات پیش کیے. ہربرٹ اسپینسر جو تھے ایک مشہور سوشیولوجسٹ تھے اور ان کے اپنے نظریات ہیں, جیسے کہ انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا سوشل آرگن پہ, کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ انسانی آرگن سے تجویز دی ہے انہوں نے, کہ جس طرح کے انسان جو ہے اس کے کئی آرگنز ہوتے ہیں اور سارے آرگنز جو ہیں جیسے ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, یہ سارے آرگنز ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے الگ الگ منفرد کام ہوتے ہیں.
आँखों से हम देखने का काम लेते हैं, नाक से हम सूंघने का काम लेते हैं, लेकिन अगर हमारी आँखों में दर्द होता है तो उससे हमारा सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। अब इस सर में दर्द शुरू होगा तो हमारी फंक्शनिंग मुतासर होनी शुरू हो जाएगी, कान में भी दर्द शुरू हो जाएगा। तो इंसान जो है इसी तरह से अगर उसके किसी एक ऑर्गन में कोई तकलीफ़ होती है या वो बेकार हो जाता है तो उसके असरात पूरे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। सेम लाइक दैट सोसाइटी एज अ ह्यूमन ऑर्गन, माशा जो है वो इदारों के मजमूए का नाम है। अगर ये इदारे प्रॉपर तरीक़े से अपने काम को सर अंजाम देते हैं तो वेल डन, लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो फिर अगर कोई एक इदारा भी सही तौर पे अपने काम या अपने फ़राइज़ को सर अंजाम नहीं देता है तो पूरे इदारे उससे मुतासिर होंगे और माशा डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने एक नज़रिया जो बहुत मशहूर दिया, लेजिस फेयर, नज़रिया मदाखलत, नज़रिया अदम मदाखलत का नज़रिया पेश किया है, और नज़रिया अदम मदाखलत के रोज़ से उन्होंने बयान किया है कि फ़र्द को माशरे के अंदर मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, उसे किसी तौर पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उसके अपने नज़रियात मुकम्मल होने चाहिए, उसके अपनी सोच पे कोई पाबंदी ना हो, उसके नज़रियात पे कोई पाबंदी ना हो, उसके अमाल पे कोई पाबंदी ना हो। हाँ, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए माशरे को, और चाहिए कि उसे इनाम अकराम से नवाजें। वो अलग बात है कि गलत काम करता है तो उसे पनिशमेंट भी देनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर उसके ख्यालात में उसके नज़रियात में उसके अमाल में किसी किस्म की भी हुकूमत को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। विलियम ग्राम समनर ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने नज़रियात पेश किए हैं जो सोशियोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। जैसे कि इनके बहुत से नज़रियात में दो नज़रिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, एक तो फोक वेज है, रस्म व रिवाज का नज़रिया। रस्म व रिवाज को उन्होंने बहुत अहमियत दी है। वो कहते हैं रस्म व रिवाज जो है वो इंसान की शख्सियत को बनाने, निखारने और एक ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि रस्म व रिवाज जो होते हैं वो इंसान को रिवायात से बांध के रखते हैं, और रिवायात जो होती हैं वो एक रोल अदा करती हैं पुलिसिंग का, लोगों पे रोक टोक का, कि आपने ये करना है ये नहीं करना है, व्हाट इज़ द राइट व्हाट इज़ द रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट आपको रस्म रिवाज देते हैं। और यहाँ से इंसान की शख्सियत निकल के सामने आती है और उसका एक निज़ाम जो कंट्रोलिंग निज़ाम होता है ना वो रस्म रिवाज देता है और जिससे जो है वो बेहतरी आती है। तो उन्होंने बताया कि रस्म रिवाज जो है जिस माशरे में लोग रस्म रिवाज से बंधे हुए हैं वहाँ माशरे में तरक्की ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत उन माशरों में जहाँ के लोग रस्म रिवाज से बिल्कुल आरी हैं, क्योंकि रस्म रिवाज उन माशरों में एक यकजहती तावुन पैदा करते हैं, और ये यकजहती तावुन जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि एक माशरे के अंदर इस्तेहकाम को जन्म देता है, और ये इस्तेहकाम यकजहती और यूनिटी का दर्स देता है। तो फोकस जो है वो इसमें कहते हैं। दूसरा इनका एक नज़रिया ग्रुप्स का है, जिनकी शोहरत जो है वो सोशल ग्रुप्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने नज़रिए पेश किए हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप का नज़रिया। इन ग्रुप में उन्होंने कहा है दाखली ग्रुप जिसमें इंसान की अपनी ज़ात, अपना ख़ानदान, कबीला, कम्यूनिटी और माशरा शामिल है, यानी ये होता है इन ग्रुप, या खूनी रिश्तेदार शामिल हैं, यानी इन ग्रुप में सिर्फ ये चंद लोग शामिल हैं, खूनी रिश्तेदार, ख़ानदान और ख़ुद वो, ये आपका इन ग्रुप है जिसके लिए इंसान एहसास रखता है, जिसके लिए वो फीलिंग्स रखता है, जिसके दुख में वो दुखी होता है, जिसकी खुशी में वो खुश होता है, और दूसरा जो है वो आउट ग्रुप है। आउट ग्रुप वो होता है जो दीगर ग्रुप होते हैं, जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं कपड़े ख़रीदते हैं तो जो हम जिसे कपड़े ख़रीद रहे हैं वो हमारा आउट ग्रुप है। इसके अलावा हम किसी से मिलते हैं आउट ग्रुप है, हम बस में किसी से मुलाकात करते हैं वो आउट ग्रुप है,
خاندان کے علاوہ یا خونی رشتہ داروں کے علاوہ اگر ہم جس سے ملتے ہیں جو بات کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں کسی سے کوئی کام لیتے ہیں کرتے ہیں وہ سب آؤٹ گروپ ہے تو یہ آؤٹ گروپ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دو گروپ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اور انسان بیک وقت ان دونوں گروپ کا حصہ ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی فرڈیننڈ ٹونیز کے بارے میں ہی واز اے جرمن فلاسفر اینڈ سوشیولوجسٹ فرڈیننڈ ٹونیز ایک جرمنی میں پیدا ہوئے اور ان کے نظریات انہوں نے بہت زیادہ نظریات تو پیش نہیں کیے ہیں لیکن ان کے بیسک جو نظریات تھے وہ انہوں نے ہیومن ول کی بات کی ہے انسانی سوچ کی کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ سماجی معاشی اور معاشرتی ترقی کی ضامن بنتی ہے اور وہ ترقی لاتی ہے اور یہ ہیومن ول جو ہے وہ ایک انسانی ارادے جو ہے وہ معاشرے کی نہ صرف تقدیر بدل دیتے ہیں بلکہ وہ اس کی اپنی شخصیت کو بھی نکھارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں دوسری چیز یہ کہ انہوں نے معاشرے کو دو حصوں میں ایک تھیوری میں انہوں نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیمن شافٹ اینڈ گیزل شافٹ گیمن شافٹ جو تھا وہ روایتی معاشرہ ہے یہ وہ قدامت پسند معاشرہ ان دوسرے لفظوں میں ہم آج کے دور میں کہتے ہیں دیہی معاشرہ جہاں سادگی پائی جاتی ہے جہاں محبت پائی جاتی ہے خلوص پایا جاتا ہے اخلاص پایا جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں سمپل وے آف لائف ہوتی ہے سمپلسٹی ہوتی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں گیزل شافٹ کی تو وہ گیزل شافٹ جو جدید معاشرہ یعنی دیہی نہیں بلکہ اربن سوسائٹی یعنی شہری معاشرہ پایا جاتا ہے اس میں آرٹیفیشیل وے آف لائف ہوتی ہے آرٹیفیشیل وے آف لائف ہوتی ہے پیپل میٹ ٹو ون اندر ود اینی پرپز اینڈ گولس لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کسی مقصد کے تحت کسی مقصد کے تحت ملتے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں وی فاؤنڈ ہیئر انڈسٹریلائزیشن سمپلسٹی کہیں نہیں پائی جاتی ہے پیپل آر گول اورینٹیڈ ایز کمپیئر ٹو دی پرسنل اورینٹیڈ وائل ان دا رورل سوسائٹی یا گیمن شافٹ سوسائٹی پیپل آر دا پرسنل اورینٹیڈ لیکن یہاں لوگ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں دے آر سیلفش اینڈ سیلف سینٹرڈ دے تھنک اباؤٹ دیئر سیلف دے ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ ادرس تو یہ انہوں نے ڈفرینس بتایا ہے کہ دونوں معاشرے میں کس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں یہ دونوں قسم کے معاشرے پائے جاتے ہیں ایمل ڈرکہائم ایک فرینچ فلاسفر تھے اور تھنکر تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیے ہیں انہوں نے بہت سارے نظریے پیش کیے اس میں سے کچھ جو مشہور نظریے ہیں ان کو میں آپ کو بتاؤں گی جیسے کہ انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے سوشل سولیڈارٹی کا کہ سماجی استحکام انہوں نے بتایا کہ ہر معاشرے میں دو طرح کے استحکام پائے جاتے ہیں ایک تو استحکام میکینیکل ہے میکینیکل سولیڈارٹی اور ایک آرگینک سولیڈارٹی میکینیکل سولیڈارٹی وہ ہے جس میں ہوموجینیس پاپولیشن ہوتی ہے ایک جیسا لوگ پائے جاتے ہیں ذات پات کے حساب سے نسل کے حساب سے ان کے لینگویج کے حساب سے ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے سمپلسٹی پائی جاتی ہے لوائلٹی پائی جاتی ہے انٹیگریشن پایا جاتا ہے یونٹی پائی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیہی معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کے ہاں ڈویژن آف لیبر جو ہوتا ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے جو دو چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے جینڈر اینڈ ایج یعنی مرد کو سارے اختیارات ہوتے ہیں جینڈر میں اور وہ مرد جو ایج کے حساب سے سب سے بڑا ہوتا ہے مرد کا کام داخلی اور خارجی فیصلے کرنا ہوتا ہے اور عورت کا کام جو ہوتا ہے وہ گھر کا کھانا پکانا بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور بوڑھے بڑوں کو دیکھنا بھال ان کے عیادت کرنا یہ کام ہوتا ہے تو یہ سمپل یہ اس طرح کی جو سولیڈرٹی ہے استحکام ہے یہ دیہی معاشروں میں یعنی میکینیکل سولیڈرٹی کہلاتا ہے دوسرا ہے آرگینک سولیڈرٹی دس ٹائپ آف سولیڈرٹی یوزولی فاؤنڈ ان اربن ایریاز جہاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ
गोल ओरिएंटेड होते हैं, जहाँ लोग जो होते हैं वो अपने मकसद के खातिर एफर्ट्स करते हैं, जहाँ लोग जो हैं वो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जहाँ तकसीम कार जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो डायनामिक्स होता है। वी फाउंड डिवीजन ऑफ लेबर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कदम कदम पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके पास एक गाड़ी ख़राब है और वो ख़राब हो जाती है तो उसको बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? मैकेनिक की, डेंटर की, पेंटर की, इलेक्ट्रिशियन की, गोया किसकी ज़रूरत है? हर चीज़ का अपना स्पेशलिस्ट मौजूद है। कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो ENT का अलग स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है, वह हर चीज़ का अपना अलग स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ क्या है कि हर काम बटा हुआ है और हर काम में स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और काम करते हैं तो वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के काम करते हैं। तो ये सॉलिडरिटी उस वक्त पाई जाती है जबकि लोग जो है वो मैकेनिज्म में रह के काम करें। अगर मैकेनिज्म सही नहीं होता तो फिर वो सॉलिडरिटी ख़राब हो जाती है। तो मैकेनिज्म में रह के काम करें, क्योंकि इसमें आपके साथ मशीनें भी होती हैं, आपके साथ जो है इंसान भी हैं, मशीनें भी हैं, और सब प्रॉब्लम्स को लेके आगे चलना है। लेकिन यहाँ की जो सॉलिडरिटी है वो सिर्फ गोल ओरिएंटेड सॉलिडरिटी है। मैं उससे मिलूँगी जिससे मेरा अपना काम होगा, वहाँ जाऊँगी जहाँ मुझे फ़ायदा होगा, मैं वो काम करूँगी जहाँ मुझे मुनाफा मिलेगा। तो गोया हर बंदा ये सोचता है। तो इस तरह की सॉलिडरिटी जो आर्टिफिशियल है, जिसमें ऑनेस्टी लॉयलिटी नहीं है, लेकिन जो वो है वो एक अलग सॉलिडरिटी है। इसके अलावा उन्होंने इमल डरखाइम ने जो है एक और नज़रिया पेश कर, बहुत मशहूर है, थ्योरी ऑफ सुसाइड। वो कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि किसी ने नफसियाती मसाइल के तंग आके खुदकशी की है तो गलत कहता है, और अगर कोई कहता है कि किसी ने माशी मसाइल में का शिकार होकर खुदकशी की है तो वो भी गलत कहता है। खुदकशी कहते हैं एक सोशल फिनोमेना है, जस्ट सोशल फिनोमेना है। पीपल कमिट द सुसाइड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इंसान सिर्फ उस वक्त खुदकशी करता है जब एक उसके सामाजिक ताल्लुकात में ब्रेकडाउन आ जाए तब खुदकशी करता है। किसने बताई है खुदकशी की? इगोइस्टिक, एनोमिक एंड अल्ट्रस्टिक। इगोइस्टिक वो है कि ये वो कैफियत है जो फ़र्द के ऊपर पैदा होती है कि वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, ही फील्स लोनलीनेस, हर्ट, इग्नोर। और जब वो सोचता है, जब वो होपलेस हो जाता है, वो सोचता है कि देयर इज़ नो एनी पर्पस ऑफ हिज लाइफ, इन दिस सिचुएशन ही कमिट द सुसाइड। इंसान खुदकशी करता है। यानी खुदकशी जो है एक सोशल फिनोमेना, सामाजिक फिनोमेना है। इंसान सामाजिक दबाव का शिकार होकर खुदकशी करता है, यानी जब कोई भी ब्रेकडाउन आ जाए तब वो खुदकशी करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खुदकशी करते हैं। फ़र्ज़ करें किसी की शादी नहीं हुई, उसने खुदकशी कर ली, पसंद की शादी करना चाह रहा था पर उसकी शादी नहीं हुई, उसने खुदकशी कर ली। अब मसला क्या है, इसके बैकग्राउंड में देखें कि गोया घर वाले नहीं माने या दूसरे के घर वाले नहीं माने, वाई कमिट द सुसाइड। उसके बिहाइंड का रीज़न देखें तो ब्रेकडाउन आ जाता है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, उसकी वजह से वो खुदकशी करता है। और फिर वो जो है वो हर्ट होता है, इग्नोर्ड होता है, देन ही कमिट द सुसाइड। उसके बाद है अल्ट्रस्टिक सुसाइड, के बाद एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड जो होती है ये अमूमन ऐसी सुसाइड होती है जो इंसान किसी की खातिर करता है, किसी दूसरे की खातिर, जिसको वो बहुत अजीज़ समझता है। तो ये उनके तो नज़रियात और भी हैं, लेकिन मज़ीद नज़रियात को डिटेल से पढ़ने के लिए आपको ज़हमत करनी पड़ेगी बुक खोलने की।
थैंक यू।